तो हेलो, कैसे हो सारे ना? आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। एंड अपनी वीडियो को ओपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले जोनाथन के बारे में। तो जोनाथन जब लाइव आए थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि गॉड लाइक का बीजेएस का प्लेइंग फोर क्या रह सकता है। इसी के साथ साथ जो फॉलो अनफॉलो वाला मैटर हुआ तो इस पर भी उन्होंने बात करी, तो उनका रिप्लाई आप देख लो। बूम बम फेल रहे हो यार, अभी और बूम बम करना है ब्रो। तो जॉनी भैया, अनफॉलो का क्या सीन है थोड़ा बता दो। बाय द वे एक शाउट आउट दे दो। रोहन भाई, शाउट आउट टू यू बडी, थैंक यू सो मच फॉर लवली सपोर्ट ब्रो। बस यही है ब्रो की थोड़ी चीजें हुई थी लेफ्ट राइट, बट इंटरनली लाइक यू नो सब ठीक हो चुकी है। एंड था यार लाइक इसके थोड़े प्रॉब्लम चल रहे थे, बट मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो, हम साथ है तेरे, कभी भी ब्रो छोड़ना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? किसी का अगर बुरा टाइम चल रहा है तो साथ देना चाहिए। तो मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो, हम है तेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय भाई, आ रहा है धीरे धीरे परफॉर्मेंस आ रहा है, प्लीज ग्राइंड करते रहो प्लीज भाई, अपना टाइम आने दो, फोड़ देंगे सबको, बस ग्राइंड करते रहो, नो ब्रेक प्लीज। यस सर, यस बड़ी, बूम बम ऐसे ही खेलो ब्रो, मचाना है ब्रो इस बार, एंड ऑल द बेस्ट बड़ी फॉर बीजेएस। थैंक यू सो मच ब्रो। ब्रो अभी इतना नहीं सोचना, जस्ट गो विद द फ्लो गाइस, ग्राइंड करते रहेंगे एंड इतना नहीं सोचेंगे। सो या तो गाइज, मैं आपके लिए लेके आया एक बहुत बढ़िया ऐप, एंड इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे गेम्स भी मिलेंगे, एनी गेम्स खेल के आपको कॉइन्स भी मिल सकते हैं। तो आपको ये ऐप को इंस्टॉल करना है, एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाएंगे। एंड एक्टिविटी में आपको फर्स्ट डिपॉजिट मिलेगा, VIP प्रमोशन मिलेगा, लॉस कंपनसेशन मिलेगा, डेली टॉपअप मिलेगा, एंड बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप शेयर करेंगे तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, एंड डेली फ्री कॉइन्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते। तो इन शॉर्ट आपको इस गेम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, एंड VIP सेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप टॉपअप करते हो तो आपको VIP बोनस भी मिलने वाला है, जिसको आप आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पर आप प्रोफाइल सेक्शन पर भी जा सकते हो, जहाँ पर आपको एक रेफरल का ऑप्शन मिलेगा, एंड आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके बोनस प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे कॉइन्स भी मिलेंगे, एंड आप टॉपअप पर क्लिक करके कॉइन्स को टॉपअप भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं टॉपअप करने के, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं आपको एक गेम खेल के दिखाने वाला हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं गेम में आ चुका हूँ। तो आप भी इन कॉइन्स को यूज़ करके ऐसा स्पिन कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि पहले स्पिन में मुझे बिग विन हुआ है, जो कि 10,240 कॉइन्स का। एंड आप देख सकते हैं कि मैं सेकंड स्पिन यहाँ पर करने वाला हूँ, सेकंड स्पिन मेरा नॉर्मल से गया, इसलिए मैं वापस एक थर्ड स्पिन यहाँ पर कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि थर्ड स्पिन के अंदर मुझे भारी जैकपॉट मिला है, जो कि 41,024 कॉइन्स का। एंड इन कॉइन्स को आप बाद में विड्रॉ भी कर सकते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, एंड फ्री बोनस भी आपको मिल सकता है। एंड अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते अपन यहाँ पर बात करने वाले सिड भाई एंड टीम सोल के बारे में। तो एक दो लोग ऐसे थे जो सिड भाई को बोल रहे थे कि क्या जो टीम सोल है उन्होंने टारगेट करा है TX को, क्योंकि यहाँ पर जो सोल गई थी TX के ड्रॉप पे। एंड इसी चीज़ को सिड भाई ने एक्सप्लेन करा था कि टारगेट वाला कोई भी सीन नहीं है। इसी के साथ साथ उनसे एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो SATL है उनकी फ्री फायर की लाइनअप अभी आ सकती है क्या, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन करा था, तो उनका रिप्लाई भी आप देख लो। भाई सोल टारगेट TX इन सैनोक, जी सर ड्रॉप क्लैश ना करके TX पर ड्रॉप क्यों गए, लॉजिक क्वेश्चन मार्क। जेट वाइब्स देखे आप, देर इज अ रीजन आप चैट में बैठे हो, देर इज अ रीजन TX ये लॉबी में खेल रही है, देर इज अ रीजन सोल ये लॉबी में खेल रही है। आई एम 100% श्योर कि उनको एटलीस्ट 1% आपके लोडी नॉलेज से ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है, सॉरी एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, काफी देखा मैंने चैट वैट में, थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज होगी आपको। देर इज अ रीजन आप चैट में बैठे हो, देर इज अ रीजन वो लोग ये लॉबी में खेल रहे हैं। फिर भी मैंने आयोगी को पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, आयोगी ने बोला कि हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं होता जानबूझ के किसी के साथ ड्रॉप क्लैश करने का, वो फ्लाइट पाथ के हिसाब से उसने कुछ बोला कि लास्ट मिनट, खासी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है भाई, वो बोला कि फ्लाइट पाथ के वजह से लास्ट मिनट इन द फ्लाइट दे मेड दैट डिसीजन टू गो देयर, इट इज नॉट अबाउट अ ड्रॉप क्लैश और टारगेटिंग एनीवन, इट इज अबाउट प्लेइंग टू विन। और ऐसा नहीं है कि हर गेम में हम लोग जाके वहां पे ही ड्रॉप करेंगे, वो फ्लाइट पाथ के हिसाब से आयोगी टोल्ड मी दैट डिसीजन वाज मेड लास्ट मिनट। क्या SATL फ्री फायर लाइनअप आएगा, कुछ बोलो इस पे, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, पहले गेम को तो आने दो, अभी तक गेम ही नहीं आया, गेम आने वाला था 2-3 महीने पहले। यार हम लोग किसी भी टाइटल किसी भी गेम के अगेंस्ट नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। अगर वो गेम में एंटर करना फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन है, अगर वो गेम में एंटर करने के लिए हमें कोई अच्छी टीम मिल रही है, अगर उसके इवेंट्स हो रहे हैं, अगर उसका एक ई स्पोर्ट्स का मॉडल अच्छा है, हमको लग रहा है कि हम लोग इसमें एंटर होकर हमारा फायदा होगा,
तो हम लोग जरूर एंटर। एंड अभी जैसा कि हमको पता है कि कार्निवल गेमिंग का हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो कार्निवल गेमिंग के कोच अमित जब लाइव थे तो बात करते कार्निवल गेमिंग के परफॉर्मेंस में अभी क्या चीज़ें सही नहीं चल रही है। फिर एक दो लोगों उनको बोला कि हम ओमेगा को बेंच करके ट्राई करो, तो इस चीज़ पर उन्होंने रिप्लाई करा। एंड BGS में अक्षत खेल सकते हैं या नहीं, इस चीज़ पर उन्होंने रिप्लाई करा था, तो उनके सारे रिप्लाईज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। BGS अक्षत को खिलाओ रे भाई, 5 में से कोई विचार खेल ही लेंगे। जब मारने को होगा तो भाई आइजल भी मार लेता है, और जब नहीं मारने को होगा तो फिर गॉब्लिन भी नहीं मार पाता है, समझ रहे हो? नीची परफॉर्मेंस डे बाय डे डाउन, यस। गेम ही ऐसा हो गया, तुम अगर पूरे दिन खेल रहे हो 12-14 गेम, तब तो मतलब 12 भी नहीं, 2 इवेंट खेल रहे हो तो ठीक है, तुम्हारा एक इवेंट तो अच्छा जाना चाहिए, और तुम्हारे पे एक ही इवेंट का 3 मैच है तो फिर थोड़ा सा बीटी हो जाती है। मेरा कहाँ स्ट्रीम का, वो अनलिस्टेड कर रहा है, वो कॉम्स के लिए होती है, साउंड के लिए होती है, और वो मेरे लिए कर रहा होता है स्ट्रीम, उसका ऑडियो तुम्हें नहीं आएगा। क्यों लिख रहा है आपको बैठने का दम, ओमेगा बैठा तो था भाई दिवाली होली के पहले, 2 इवेंट में क्वालिफाई नहीं हुए, वही बात है, हो सकता है ओमेगा खेल रहा होता तो भी क्वालिफाई ना होते, अब ओमेगा खेला ही नहीं तो क्वालिफाई नहीं हुए, तो बताओ मेरे को, ये सब बहुत चूतिया बात होती है, इसको खिला लो उसको बिठा दो तो तुम ट्रॉफी जीत जाओगे। अगर इतना ईजी होता टूर्नामेंट जीतना, ट्रस्ट नहीं, ऐसे किसी ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा जिसमें हमारे 4 परफॉर्मिंग प्लेयर नहीं खेले होंगे। एंड अपनी वीडियो के सिलसिले को अपन आगे बढ़ाते हैं, अपने बात करने वाली टीम मायावी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो मायावी है वो लाइव आके उन्होंने बताया था कि जो टीम मायावी के जितने भी प्लेयर्स थे वो सब अपना क्लैरिफिकेशन अपने प्रूफ्स प्रोवाइड करेंगे। एंड गेमिंग मूव ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था लेजिट का, जो कि टीम मायावी के प्लेयर थे। एंड यहाँ पर वो बात करते हैं कब प्रूफ्स हमें देखने को मिल सकते हैं, अभी क्या चीज़ें चल रही है टीम मायावी के प्लेयर्स के अंदर, मतलब जो एक्स टीम मायावी के प्लेयर्स थे उनके अंदर। एंड उनके इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप आप देख लो। कम्युनिटी आपसे आंसर मांग रही है, तो आप कब क्लैरिफिकेशन देने वाले हो? 1-2 दिन के अंदर सारे बंदों की जो भी इंडिविजुअल अपने चैनल्स पे वीडियो आ जाएगी सारे प्रूफ्स के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे देख सकते हो सबके चैनल्स पे। तो भाई आप लोगों को इतना हेट फेस करना पड़ता है तो कैसे टैकल करते हो आप लोग इनको? हमको पता है, हमने बैकएंड पे कुछ करा नहीं है, हमें BGS के द ग्राइंड के राउंड 2 से हेट मिल रही है और अब तक मिल रही है, हर वीडियोस पे हमारे कमेंट्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन जो भी TOs है ऑर्ग्स है उनको पता है कि हमने कुछ करा नहीं है, उनको हमने सारे प्रूफ्स दे रखे हैं, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है हमने कुछ करा ही नहीं है। तो भाई आपको पता ही होगा स्नेल ने आप पे कुछ एलिगेशंस लगा रखे हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हो? स्नेल भी अपनी जगह सही है जो उसने एलिगेशंस लगाए हैं, क्योंकि उसने एक तरफ की स्टोरी सुनी है, जो हमारी तरफ की स्टोरी है उसने भी सुनी नहीं है, वो जो कर रहा है वो भी ठीक है अपनी उसके साइड में, बट जब हमारे प्रूफ आएंगे उसके बाद भी अगर ये होगा तो फिर वो ठीक नहीं है। तो भाई अभी आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? आगे के प्लान्स तो भी ये कि BGS आ रहा है उसमें हम पूरे फोकस्ड हैं, और पिछली बार हम सेमीफाइनल्स में रह गए थे, अब आगे हमको ये देखना है कि हम उसमें ना रहे, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, हिट्स को इग्नोर कर रहे हैं, और जो जो नीड है हमें क्वालिफाई करने के लिए अच्छा खेलने के लिए उस पर अभी हम ध्यान दे रहे हैं। इस बार BGS में हमारा पूरा ट्राई यही रहेगा कि हम लैन तक जा पाएं और हमारा गेम प्ले लैन पे क्या है वो सबको दिखा पाएं और वहाँ पे पूरा तोड़फोड़ कर दें। एंड अपन बात करने वाले आईफ्लिक्स के बारे में, तो जैसे कि हमको पता है कि जो टीम आईफ्लिक्स के प्लेयर्स थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था हैदराबाद हाइड्रास की मेन लाइनअप को, तो क्या अभी भी कोई टीम आईफ्लिक्स एग्जिस्ट करती है क्या? एंड इसी बार में आईफ्लिक्स बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था 3 अभी लाइनअप्स हैं, उन 3 लाइनअप्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करा था, कौन सी लाइनअप के अंदर कौन से प्लेयर्स है भी उन्होंने बताया था, तो वह सारी क्लिप्स आप अपनी स्क्रीन पर देख लो। तो टीम आईफ्लिक्स के अंदर एक लाइनअप है, वी हैव अ लाइनअप करंटली रनिंग, सो वी हैव अ लाइनअप दैट इज रनिंग इन द ग्राइंड, so these guys will be playing. पिछले वाले टीम iFlix जो था उनको मैंने मेन लाइनअप में डाल दिया, बिकॉज इन द एंड iFlix इस iFlix को सैलरी कहां से मिल रहा है? HH से, तो ऑफ कोर्स आई विल हैव टू कीप द प्रायोरिटी टू HH, एंड HH का जब मेन लाइनअप नहीं था तो लाइनअप बनाना था, तो टीम iFlix से जो भी लाइनअप है वो यू नो दिया जा रहा है, एंड देन टीम iFlix खाली हो गया तो मैंने एक और लाइनअप उठा लिया, ठीक है, एक HH एकेडमी लाइनअप था, ठीक है, अब ये एकेडमी को भी मैं पैसा दे के खिलाऊं ये सब नहीं कर सकता था, तो इनको भी अच्छा खासा चांस दे दिया है, इन लोग भी अच्छा खासा हमारे नाम यू नो रोशन किया है, इनसे भी हम लोग को प्राइस पूल्स वगैरह मिले हैं,
1.5 लाख तो हमें ड्रीमैक में मिले थे और H7 छोटे छोटा प्राइस पूल्स और रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं। ये भी एकेडमी लाइनअप, ये एकेडमी लाइनअप अभी रिप्रेजेंट कर रहा है लखनऊ जायंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ग्राइंड खेल रहा है। तो बेसिकली जितना भी टीम्स हमने उठाया है दे आर एट ए गुड स्टेज और ये लोग ग्राइंड कर रहे हैं, ये लोग द ग्राइंड खेल रहे हैं। टीम आईफ्लिक्स जो अभी मैंने उठाया वो भी ग्राइंड खेल रहा है, जो मेरी पुराना टीम आईफ्लिक्स था वो HH की मेन लाइनअप में वो भी ग्राइंड खेल रहा है। सो एवरीवन इज इन BGIS इन द इनवाइटेड स्लॉट्स ऑफ द ग्राइंड एंड एवरीवन हैज इक्वल चांस। इनको भी चांस मिल गया यहाँ पे LG पे लखनऊ जायंट्स पे। ऑफकोर्स अगर इनको इधर से सैलरीज वगैरह मिल रहा है, स्लॉट्स वगैरह मिल रहा है, इश्यूज वगैरह नहीं हो रहे और LG जैसा ऑर्गेनाइजेशन इनको उठाने के लिए रेडी है, दे आर गिविंग द नेम आउट। सो देयर यू। एंड अपना बात करने वाले एक बड़े लफड़े के बारे में जो YouTube कम्युनिटी के अंदर चल रहा है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अभी तक क्या चीज़ें रही है इस कंट्रोवर्सी के अंदर, इस लफड़े के अंदर। तो आप सबको पता होगा कि थगेश कौन है, बेसिकली एक रोस्टर है ये जो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर रोस्ट वीडियो एंड फनी वीडियोज़ बनाते हैं। तो उन्होंने 3-4 दिन पहले रजत दलाल के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था जो रजत दलाल को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने स्टोरी डाल के थगेश को बोला था कि वो वीडियो हटा लो, अगर व्यूज़ अच्छे खासे आ गए तो एक स्टोरी डाल के सॉरी बोल दो कि मैंने इस बंदे से पूछा नहीं था, बिना परमिशन के वीडियो बना दी तो सॉरी बोल दो। एंड ये सब चीज़ें चलती थी, थगेश को ऐसा लग रहा था कि जो रजत दलाल वो इनडायरेक्टली उनको धमका रहे। तो इसका रिप्लाई करते हुए थगेश नहीं कहा था कि बहुत बड़े बड़े लोग आए थे जिन्होंने वीडियो हटाने का बोला था लेकिन ऐसी वीडियो नहीं हटती और अब तो कितना भी ट्राई कर लो वीडियो नहीं हटेगी। एंड रजत दलाल का इस पर रिप्लाई यही था कि आगे चीज़ें किस तरह से होगी वो डिपेंड करता है कि थगेश क्या रिप्लाई देंगे। एंड थगेश का रिप्लाई यही था कि मैं वीडियो नहीं हटा रहा, आपको जो करना है कर लो। एंड यहाँ पर फिर जो रजत दलाल है उन्होंने एक मुंबई सीलिंग की स्टोरी डाली थी, मतलब उन्होंने बताया था कि मुंबई आ रहे। एंड इस पर उन्होंने लिखा था कि थगेश क्या तुम्हारे पास स्पोर्ट्स शूज़ है क्या, मतलब भागने के ऊपर वो बात कर रहे थे। तो थगेश ने इसका रिप्लाई करते हुए कहा था कि स्पोर्ट्स शूज़ क्यों चाहिए तुमको, खाने हैं क्या? भाई को बोलो लोकेशन भेजिए, वहाँ पे मिले, सीलिंग पे ना घूमे, सीलिंग पे मुंबई दर्शन अगर देखना है तो मेरे को बोलो, बस के टिकट कराता हूँ भाई, वो लोग घुमाएंगे मस्त मुंबई दर्शन। और ये जो एक सीलिंग पे तू भगा रहा है ना गाड़ी भाई, एक स्पीड लिमिट होता है यहाँ पे ना, डंडे पड़ते हैं, ये फरीदाबाद नहीं है, यहाँ पे कैसे भी गाड़ी भगा रहे हैं पकड़ेंगे ना, बहुत मारेंगे भाई, ठीक है। दूसरी बात भाई, ये आदमी ऑनेस्टली ठीक है, खुद तो मरेगा मरेगा फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी और को भी मारेगा, उसकी गाड़ी की स्पीड देखो क्या है, समाज के लिए फायदे से ज़्यादा नुकसान वाला आदमी है ये। एंड इसके बाद फिर एक दो घंटे में चीज़ें कुछ शांत देखने को मिली। उसके बाद फिर रजत दलाल ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट डाली जहाँ पर उन्होंने थगेश के साथ वो थे एंड थगेश ने यहाँ पर ऐसे हाथ जोड़ रखे थे, मतलब सॉरी बोल रहे थे, ऐसे काइंड ऐसा यहाँ पर लग रहा था। एंड ये पोस्ट देखने के बाद सबको ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्ट्रोवर्सी थी, जो लफड़ा था, वो स्क्रिप्टेड था। एंड जो थगेश का एक्सप्रेशन से वो मुझे देख के सही में ऐसा लग रहा है कि इनका कोई कॉलर वीडियो या फलाना ढिमकाना कुछ आ रहा है, ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी मतलब रियल कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी, शायद ये ऐसी काइंड हाइप क्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फिर थगेश ने एक दो स्टोरीज डाली थी पोस्ट के बाद जिसमें उन्होंने लिखा था कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, मैं अपना पहलू कल बताऊंगा। कल उन्होंने बताया था कि मतलब आज उनका एक वीडियो आने वाला है 12:30 के आसपास जिसमें अपनी साइड को एक्सप्लेन करने वाले, तो अब देखते हैं वो क्या बताते हैं अपनी साइड में। एंड आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर अपन बात करने वाले ऑनर ऑफ किंग्स के बारे में। तो एक बहुत खेला जाने वाला गेम है, मोबाइल गेम है, जो कि अब इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है, इसका एक ग्लोबल रिलीज आ रहा है एंड ये इंडिया में अराउंड जून के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो क्या आप भी एक्साइटेड हो इस गेम के लिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बस अपने आज की वीडियो कर लेते हैं, पर खत्म, वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।